बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुम्मतुल मुबारक के दिन या रात में मरने वालों की क्या फजीलत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। किताब तर्मजी शरीफ की हदीस शरीफ के मुताबिक हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात में मरेगा, अल्लाह ताला इसे फितना कब्र से बचा लेगा। और किताब तबरानी शरीफ की एक हदीस में है, अल्लाह तबारक व ताला किसी मुसलमान को जुम्मा के दिन बेमगफिरत ना छोड़ेगा। जो जुम्मा के दिन मरेगा इसके लिए शहीद का अजर लिखा जाएगा, इस पर शहीदों की मोहर होगी। जो मुसलमान मर्द या औरत जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात में मरे, अजाब कब्र और फितना कब्र से बचा लिया जाएगा और खुदा से इस हाल में मिलेगा कि इस पर कुछ हिसाब ना होगा और इसके साथ गवाह होंगे कि इसके लिए गवाही देंगे। अल्लाह करीम हर मुसलमान को अपने कर्मे खास से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। जुम्मतुल मुबारक के दिन या रात में मरने के फवायद। जुम्मतुल मुबारक के दिन रूहें जमा होती हैं और जुम्मतुल मुबारक के दिन जहन्नम की आग को नहीं भड़काया जाता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जब ईद या जुम्मा या अशूरे का दिन या शबे बरात होती है, अमवात की रूहें आकर अपने घरों के दरवाज़ों पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, है कोई हमें याद करे, है कोई हम पर तरस खाए, है कोई हमारी गुर्बत की याद दिलाए, यानी हमारी गरीबी में हम पर तरस खाए और हमारे लिए सदका व खैरात और दुआए मगफिरत करे। रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।